नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मुंडेरी टेक सपोर्ट में। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो L210 का जो मेरा एप्सन का प्रिंटर है, जिसका पावर सप्लाई उड़ गया था। तो मैंने एक वेबसाइट से मैंने अमेजन में खोजा, फ्लिपकार्ट में, लेकिन मुझे ये कहीं नहीं मिला। तो मुझे एक वेबसाइट से मिला है, तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं आपको। वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, ताकि आपका भी अगर इस प्रकार का समस्या है, पावर सप्लाई का ज़रूरत है, तो आप वहां से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। चलिए इसका अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें मिला है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पड़ा है इसका, इसमें दो आइटम है, वेस्ट इंक और ये आपका पावर सप्लाई है इसमें। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ये मिला है हमें, ये वेस्ट इंक वाला, जहाँ पर ये बेकार इंक जाती है वहाँ पर इसको लगाना है। तो इसको करते हैं साइड में, और जो मुझे ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही चीज़ है मुझे, आप लोग देख सकते हो, इसका भी अलग से पैकेट किया हुआ है। जो मेरा प्रिंटर में पावर सप्लाई नहीं हो रही थी, इसके कारण ऑन नहीं हो रही थी। देखते हैं ओरिजिनल लग रहा है। ये आप लोग देख सकते हो एकदम नया है, मेड इन, जैसा कि पुराना वाला है वैसे ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम नया है। चलिए इसको लगा लेते हैं। अभी इसको लगाते हैं, आप लोग देख सकते हैं ये जो है मेरा, ये पहले पुराना वाला है जो कि डेड है, कोई काम का नहीं रह गया, ये पुराना है। और ये जो हम मंगाए हैं यह नया है, जिसे आप लोग देख सकते हो। ये यहाँ पर लगेगा ये वाला स्टेप से, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसको नट को खोलना होगा। नट खोला होता नहीं तेरे सांझी हो गया। काको तो हम बुझिए वैसे रे, इसको खोलना होगा। ये मैंने खोल लिए, अब हल्का सा इसको इस टाइप से धक्का देकर कि इसको निकालना होगा। ये जो वेस्ट इंक अब्जॉर्बर है, ये यहाँ से ये वाला निकल जाएगा। लगाना है हमें ये वाला, ये इस टाइप से लगेगा। यहाँ पर पिन दिया हुआ, यहाँ पर ये नहीं सब लेम चले थे मोहन कहते सब मोहन कहते सब मोहन का। ये वाला यहाँ पर मिल जाएगा, नहीं कहते कि ये
लग चुके हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ से इस प्रकार। अब इसको यहाँ से इस टाइप से लगा करके इसको थोड़ा सा पुश देना होगा, ये लग चुका है आप लोग देख सकते हो। और दोबारा हमें इसको वेस्टिंग ऑब्जर्वर को इसको फिर से लगा देना है, यहाँ से इस प्रकार के लगा से इसका लगा करके इसको इस प्रकार से थोड़ा सा स्लाइड कर देना है और यहाँ फिर से वही नट कस देना है। हमने इसमें नया पावर सप्लाई लगा दिया है और हमें कनेक्ट करना है पावर सोर्स से। ये मैंने पावर सोर्स पावर कोड लगा दिया और अब हमें ऑन करके देख लेते हैं एक बार। ये ऑन हो गया, आप लोग देख सकते हो, जो कि मेरा पावर सप्लाई काम कर गया है। आप भी चाहते हैं तो हम वेबसाइट के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगे ख़रीदने के लिए, आप वहां से ख़रीद सकते हो और अपना प्रिंटर आप अपने आप से भी ठीक कर सकते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप सबों का।